अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पे ईद का दूसरा ही दिन है और जो पिछला व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उससे अगला जो है ना यहीं से स्टार्ट हो गया था। और ये दूसरे दिन मैंने मेहंदी लगवाई थी क्योंकि पहले दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी और टाइम नहीं मिला मेहंदी लगाने का और मेरा दिल ही नहीं किया था मेहंदी लगाने का। और दूसरा ये कि मेहंदी भी ख़राब थी, फिर मैंने दूसरे दिन ही मेहंदी लगवा ली थी अपनी भांजी से, यानी अपनी नंद की बेटी से मैंने मेहंदी लगवाई थी। वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे डिज़ाइन बनाती है और इतनी प्यारी उसने मुझे मेहंदी लगाई थी ना, मैं आप लोगों को आगे भी दिखाती हूँ। इसके बहुत प्यारे प्यारे स्केचेज होते हैं और ड्राइंग भी माशाल्लाह ये बहुत प्यारी करती है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, वरना मैंने ना आप लोगों को जरूर इसके स्केचेस और ड्राइंग दिखानी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब चक्कर लगेगा ना, मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो ये है वो खराब सी मेहंदी जो मैंने खुद लगाई थी, इस वाले राइट वाले लेफ्ट वाले हैंड पे और राइट वाले हैंड से मैंने उससे लगवाई थी। तो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि मेहंदी कैसी लगी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने खौसे बनाए थे। मेरी जो देवरानियाँ हैं ना छोटे वाली, उन दोनों ने मिलके ना खौसे बनाए थे। खौसे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मिर्चें ये कर ली थी, वो क्या उसको कहते हैं, फ्राई कर ली थी, स्पेगेटी भी बॉईल कर ली थी और इसकी ग्रेवी बनाई थी। जो ग्रेवी बनाई थी ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो येलो कलर वाली मैंने शुरू में दिखाई ना ग्रेवी, उसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने बेसन लेना, थोड़ा सा कोकोनट मिल्क लेना। ये वाली ग्रेवी की बात कर रही हूँ जो स्पेगेटी के ऊपर डल रही है ना, कोकोनट मिल्क के अंदर ना एक दो चम्मच बेसन के डाल के ना इसको ग्राइंड कर लेना। साथ में हरी मिर्चें और लहसुन भी आप चाहे तो ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अलहदा से फ्राई करके ऊपर गार्निश के लिए किया था, तो इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे क्रैकर्स भी फ्राई कर लिए थे और इसके अलावा इसमें सेव भी यूज़ करेंगे, चाहे तो आप इसमें नीमको भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा चिकन यहाँ पे किया था, इसको जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर हम टॉपिंग करते हैं ना चिकन की, वैसा ही चिकन बनाया था। चाहे तो आप इसको धुआं लगा के बना सकते हैं या चिकन टिक्का जैसे होता है ना वैसा भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी, इसको खौसा कहते हैं। खौसे की ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे दो बाउल जो है ना वो हम लोगों ने बनाए थे, साथ में गार्निश की थी हरी मिर्चें, इनको फ्राई किया था और इसके अलावा लहसुन फ्राई करके ना इनको गार्निश किया था। तो ये इसकी फाइनल लुक थी जो मैं आपको साथ दिखा रही हूँ। और ये क्रैकर्स भी ऊपर डालने होते हैं और ये हम लोगों ने ऊपर नहीं डाले थे, साथ ही रख दिए थे, लेकिन बच्चों ने ऐसे ही खा लिए ऊपर डालने से पहले ही। तो ये देखिए मैंने मेहंदी यहाँ पर वॉश कर लिया, तो ये देखिए कैसा कलर आया, कितनी प्यारी लग रही है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने मेहंदी लगाई थी कि नहीं। और ये मैंने जो खुद ही लगाई थी ना ये वो वाली है, और ये जो मेरी भांजी ने लगाई थी ये वो वाली है, ये बहुत प्यारी लगाई थी उसने। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने मेहंदी लगाई कि नहीं ये भी बताइएगा। ईद से पहले लगाई या मेरी तरह आप लोगों ने ईद के बाद ही लगाई थी? तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने खौसे खाए थे और उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कीमा, और मैंने कहा था मैं बना देती हूँ कीमा, आलू बनाने थे आज लंच में। तो यहाँ पे मैंने प्याज रख दिए थे ब्राउन होने के लिए, साथ में टमाटर 5 से 6 अदद कट कर लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और कुटी हुई लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच, नमक 1 से 2 चम्मच क्योंकि मैं 2 किलो के करीब बना रही थी, हल्दी 2 चम्मच, इसलिए 2-2 चम्मच जो है ना वो मैंने मसालों के इसमें यूज़ किए थे। आज भी मज़े मज़े के खाने हमारे घर में बने थे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। व्लॉग को मिस नहीं करना, आपने वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप मिस ना कर सके। फिर उसके बाद मैंने आलू छील लिए क्योंकि मैं बना रही थी आलू कीमा, और साथ में बाजी ने फलियां भी बनाई थी, वो उसका मैंने मुझे ना शॉर्ट लेने का याद नहीं रहा, मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करना था। आलू फलियां बनाई थी वो भी बहुत मज़े की बनी थी, और दोपहर में कीमा आलू बने थे, और इसके अलावा क्या बना था वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। और आप लोगों ने बकरा ईद पर क्या क्या बनाया था और गोश्त कैसे डिवाइड किया था आप लोग भी बताइएगा। आप लोगों ने डिवाइड कर दिया था या फ्रिज भर के रख ली थी? हम लोगों ने सारा गोश्त ही डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे फिर मैंने कीमा डाल दिया था और फिर इसको भून लेंगे हम लोग। आज मैं बाजी की रेसिपी ना फॉलो कर रही थी क्योंकि मैं इस तरह कीमा नहीं बनाती, मैं दूसरी तरह बनाती हूँ, लेकिन बाजी इस तरह से बनाती हैं, जो मेरी बड़ी नंद है ना वो ऐसे बनाती हैं, और वो उनके खाने माशाल्लाह बड़े अच्छे होते, वो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, मैं उनसे बहुत कुछ जो है ना मुझे सीखने को भी मिलता है। तो आज मैंने बाजी की रेसिपी ट्राई की थी, तो आलू कीमा जो है ना वो बहुत मज़े का बना था। और इसके अलावा साथ में यहाँ पर बन रही थी बीफ कढ़ाई, और ये मेरी जो छोटी नंदा ने ये काट रही थी यहाँ पे बीफ, और बीफ के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। और इसके बाद बीफ कढ़ाई की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने ही बनाई थी।
अच्छा आप लोगों को बताइए, आप लोगों ने गरीबों में गोश्त बांटा है कि नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए। या आप लोगों ने क्या क्या बनाया था और कितना कितना गोश्त जो है ना वो फ्रीज किया था, ये भी बताइएगा ज़रूर। और अच्छा जी, यहाँ पे फिर ना गोश्त को भून लिया था, सॉरी कीमे को अच्छी तरह भून लेना मसाले के अंदर। और साथ में मैंने बीफ कढ़ाई भी यहाँ पे चढ़ा दी थी चूल्हे पे, यानी कि पकने के लिए रख दी थी। तो अच्छी तरह कीमे को भून लेंगे जब तक ऑयल नहीं छूटेगा। जब ऑयल छूट जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और आलू डाल के ना हम इसको प्रेशर लगा देंगे। लेकिन आलू डाल के थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा पानी डाल के ना प्रेशर लगा देंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाएंगे वरना ये नीचे से लग जाएगा। तो बस अच्छे से इस तरह भूनते जाएंगे। साथ में प्याज भी यहाँ ब्राउन हो गए थे जो बीफ कढ़ाई के लिए रखे हुए थे, तो ये प्याज हम ग्राइंड कर लेंगे। जो मेरी छोटी नन थी ना, वो उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई थी, वो प्याज उसने ब्राउन करके ग्राइंड कर दिए थे, टमाटर भी ग्राइंड कर दिए, सब कुछ उसने मुझे रेडी करके दिया था, मैंने बस बनाया था। फिर उसके बाद कीमा यहाँ पे रेडी हो गया था, भुन चुका था अच्छे तरीके से। फिर पानी का एक गिलास डाल के ना हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए दम पे नहीं रखना वरना नीचे लग जाएगा, लो आँच पे रखिएगा। तो उसके बाद कीमा भी यहाँ पे रेडी हो रहा था, साथ में बीफ हम लोग बना रहे थे। और बीफ के लिए अभी हमने गोश्त को बॉईल करना था, लेकिन हमने मसाला पहले ही रेडी कर लिया था, क्योंकि बीफ जो कीमा जो है ना वो कुकर में बन रहा था और कुकर फ्री नहीं था। तो हमने कहा चलो मसाला पहले बना लेते हैं और बाद में फिर हम इसमें बीफ डाल देंगे जब बॉयल हो जाएगा। तो मसाले में बस टमाटर डाले थे ग्राइंड किए, और इसके अलावा ब्राउन किए हुए प्याज, इनको ग्राइंड कर लिया, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, बस ये वाली चीज़ें डाल के ना तो मसाले को अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था। जब तक गोश्त नहीं बॉयल होगा, जब गोश्त बॉयल हो जाएगा ना तो फिर हम ऐसे ही डाल देंगे यखनी के समेत, और फिर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पे कीमा रेडी हो चुका था, हमने बीफ रख दिया पकने के लिए, और साथ में इसमें डाल दी थी हरी मिर्च 2 से 3। इसको मैंने ना लैदा से निकाल लिया था कीमे को, ताकि इसको ना थोड़ा सा और भून के ना लास्ट में ऑयल ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ऑयल ऊपर नज़र आ रहा होना तो फिर बहुत अच्छा लगता है सालन। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा फिर हमने नमक डाल दिया। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसके अलावा जीरा धनिया पाउडर भी मैं एंड पे डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा और मज़े का फ्लेवर आता है। तो आप लोगों ने ईद पे कौन कौन सी डिशेस बनाई हैं बताइएगा ज़रूर, और आप लोग क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप लोग क्या रेसिपी चाहते हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी आगे। तो यहाँ पे ये देखिए ऑयल छूट गया था और कीमा जो है ना बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे बीफ भी गल चुका था ये देखिए, और बीफ फिर हमने उसी मसाले के अंदर डाल दिया, क्योंकि उसके अंदर ना थोड़ी बहुत यखनी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो यखनी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाई थी, ताकि क्योंकि हमने कढ़ाई बनानी थी बीफ की, इसलिए हमने थोड़ा ही पानी डाला था। तो यहाँ पे फिर मसाला बीफ सारा डाल के ना तो मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। अच्छा, तो मैंने एक और चैनल को आज शाउट आउट देना था, उनके चैनल का नाम है नैन सुख, और वो भी व्लॉगिंग करती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे उनके व्लॉग्स होते हैं। मैंने उनका चैनल चेक किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया। तो आप लोगों ने भी सब्सक्राइब करना है और उनका चैनल को विजिट करना है और उनको ज़रूर सपोर्ट करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स उनके मिलेंगे। उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, तो आप वहाँ पर क्लिक करके ना उनके चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी व्लॉगिंग चैनल्स होते हैं ना, अगर वो मुझसे प्रमोशन करवाना चाहते, मैं पेड प्रमोशन सिर्फ उन्हीं चैनल्स की करूंगी जो व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि उन्हीं को फायदा हो सकता है। जो दूसरे चैनल है, जैसे कि कुकिंग का चैनल हो गया या ड्राइंग का, पेंटिंग का, इस तरह के चैनल जो है ना, अगर मैं प्रमोशन कर भी दूंगी ना तो उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए जो व्लॉगिंग के चैनल है ना, वही मुझसे कॉन्टेक्ट किया करें, बाकी चैनल्स प्लीज ना किया करें। तो इसलिए मेरी भी कोशिश होती है कि बस व्लॉगिंग चैनल को भी मैं शाउट आउट दूँ। तो यहाँ पे हमारी जो है ना बीफ कढ़ाई बन चुकी थी, तो एंड पे मैंने इसमें ना क्रीम थोड़ी सी डाल दी थी, घर की बलाई ही डाल दी थी, क्योंकि बाजार से ना क्रीम नहीं मिली थी, तो घर की बलाई डाल के ना मैंने बस इसको भून लिया था, थोड़ा सा छींटा लगा के गार्निश कर लिया था और कोयला लगा दिया था। कोयले से ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, तो कोयला लगाने से ना मज़ा आ जाता है खाने का। तो बस 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और फिर हमारी बीफ कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये तो था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर हमारे यहाँ पे ना नेक्स्ट तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि सुबह हम लोग जा रहे हैं वापस लाहौर में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग होंगे ना आपको वो मेरे लाहौर में ही मिलेंगे। ये हमारा ट्रैवल व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये नेक्स्ट व्लॉग में आपने देखना है, लाजमी मिस नहीं करना मेरा अगला भी व्लॉग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।